बोलिए सदगुरुदेव की। साहेब बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी, बिन सत्संग कुम्मत नहीं छूटी, चाहे जाओ काशी चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी हृदय कपट की गांठ न जासी। आखिर हम सबके साथ दो चीजों का बड़ा प्रभाव पड़ता है, पहला प्रारब्ध पूर्वोक्त कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है। इस पर साहब ने बहुत सुंदर शब्द कहा, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। पहले प्रारब्ध बना साहब कह रहे, उसके बाद उसके आधार पर शरीर बना। ठीक वैसे ही जैसे सर्विस मिलने से पहले परीक्षा होती है, साक्षात्कार होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक इसी तरह साहब कह रहे पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। जन्म एक नहीं जन्म अनेका, छूटे नहीं कर्म का लेखा। साहब ने कर्म के क्षेत्र पर बहुत कुछ कहा, ये कर्म भूमि है संसार, यह संसार काल है राजा, यहां कर्म का जाल पसारा है, बहुत विचार कर इस संसार में चलना होगा। दूसरा हम पर प्रभाव किसका पड़ता है, संघ का। देसी कहावत है, जैसी संगत तैसी रंगत। बचपन में बच्चा एक तो पिछले संस्कार उसके साथ आए हैं, दूसरा परिवेश जो प्रत्यक्ष में व्यवहार है वो, माता पिता जो भाषा बोलेंगे बच्चा वही सीखेगा, जो उसे खिलाएंगे वो वही तो खाएगा, जिस सांचे में ढाना चाहेंगे वैसा ही तो होगा। जस वही करवा तस निकली टोटी। अगर मां बाप छल कपट कर रहे हैं बच्चा समझ रहा है, और वो उसी तरह फिर आचरण करेगा। इस तरह सत्संग का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, महापुरुषों की वाणी में एक ताकत होती है, वो अपने शब्दों से तभी तो अंतःकरण की शुद्धि करते हैं। तभी तो एक शब्द कहा साहब ने, सात स्वर्ग अपि वर्ग धरो तुला एक अंग। तुला तराजू को कहते हैं, ताय सकल मिल नहीं तुले, जा क्षण लो सत्संग। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुन आद, कबीर संगत साध की कटे कूट अपराध। अगर आदमी कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है जो कल्पना करता है वो मिल जाता है। इस तरह अलग पुरुष की आरसी संतन के हृदय, उनके जिस्म से एक रेज निकलती है, पूरे एटमॉस्फेयर को वो शुद्ध करती है। तभी तो प्राचीन काल से एक परंपरा थी कि गुरुजन और संतों को लोग अपने घर ले जाते थे ताकि उनकी रेज यहां रहे। और इस धर्म में एक और प्रथा थी, हिंदू धर्म में मृतक को जलाया जाता है, पर जीवन मृत्यु के संस्कार चार प्रकार से होते हैं। साहब ने कहा सदगुरु चार दागते न्यारा, प्रथम गणंत मुसलमान लोग गाड़ते हैं, दूसरा फुकंत हम हिंदू लोग फूंकते हैं, तीसरा बहंत कुछ लोग जब उसका संस्कार नहीं कर पाते। ये प्राचीन काल से प्रथा थी, वो गंगा जी में या मान्य नदियों में उनको छोड़ देते थे। और चौथा लुटंत, यूरोपीय देश बाकी और भी जगह हैं जहाँ, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ डेड बॉडी को ओपन फेंक देते हैं, कौए गिद्धे वगैरह ये सब भक्षण कर लेते हैं।
सदगुरु चार जागते न्यारा, लेकिन साहब कह रहे हैं वो चार जागते न्यारा। मैं आपको एक प्रसंग में ये बताना चाह रहा हूं कि मैं समाज के आगे एक तथ्य रख रहा हूं तर्क सहित, कबीर साहब माँ के पेट से नहीं आए। आपको ध्यान होगा मैंने इंद्रमती की कथा में भी ये प्रसंग उठाया था, जब इंद्रमती ने साहब से भोजन की आज्ञा मांगी, देखिए वहां साहब क्या कह रहे हैं। सुन रानी मैं शुदा न कोई, मुझे कोई भूख और प्यास नहीं लगती, पंच तत्व पावे जिन सोई। ये तो पांच तत्व को धारण करने वाले को 25 प्रकृतियां घेरती हैं, मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। अमृत नाम आहार है मोरा, सुन रानी ये भाक्ष्य थोड़ा। मेरा आहार है अमृत भोजन, मेरा आहार है अमृत भोजन। दे हमारे तत्व गुण न्यारी, तत्व प्रकृति काल विचारी। मेरा शरीर पांच तत्व का नहीं है, देखिए प्रमाण मिल रहे हैं। ता में आदि पवन इकाई, जीव सुहंग नाम है ताई। इसलिए सुहंग जीव को कहते हैं। सब जीव अहे पुरुष को अंशा, रोक है काल देह ते शंशा। अभी यहां फिर साहब वजन देकर कह रहे हैं ये सभी आत्माएं परमात्मा का अंश है और काल ने इन्हें संशय देकर के रोका। आपको उस दिन भी मैंने देखा, ओमकार निरंजन जानो सोई निरंजन काल सोई ओमकार आदि, ये निरंजन का स्वरूप है। नाना फंद रच जीव ग्रह से, आखिर जब हमारी आत्मा काम क्रोध लोभ मोह से परे है, संकल्प विकल्प से परे है, तो एक बात तो स्पष्ट सामने आ रही है ना, बड़ी स्पष्ट सामने आ रही है, वाह, कि कुछ ऐसी चीजें शरीर के अंदर हैं जो इंसान को भटकाती है। बुद्धिजीवी वर्ग एक बात कह रहा है, बड़ी प्यारी बात कह रहा है। मैंने कई बार एलेक्जेंडर का एक उदाहरण दिया है कि हम शैतानी ताकत के हाथ है, वो जो चाहे हमसे कराती। अब वर्तमान में देखो उसमें एक ये सब विषय आ रहा है, उसमें इतनी ताकत है कि एक साथ पूरी धरती के मनुष्यों का ब्रेन किसी भी साइड में डाइवर्ट कर सकता है। और मुझे यूं लगता है वो ताकत हमें विनाश की तरफ ले जा रही है। और साहब ने एक शब्द कहा, संबत पूरा हुए जब बीसा, यानी जैसे 20वीं शताब्दी लगेगी। साहब कह रहे हैं ईसा रहे न मूसा, क्या मतलब है? ईसाइयों में और तुर्कों में भयंकर युद्ध होगा। अभी आप देख रहे हैं परमाणु युद्ध की स्थिति तैयार हो रही है। पूरब से पश्चिम में गंगा संत वचन ना होत भंग अभंगा। नास्टर देवस ने भविष्यवाणियां की, ठीक है, लेकिन साहब ने तो अनंत कह दिया है, एक दो थोड़ी, वो वातावरण सब बन रहे। अभी पूरा युवा किस तरफ डाइवर्ट हो गया, पूरा पूरा जगत किस तरफ डाइवर्ट हो गया, बस नशा सेक्स रोमांस की तरफ। और ये यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, एक दुई होए ताय समझाओ, एक दुई होए ताय समझाओ, सभी बुलाने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। तो यहां साहब पुष्टि दे रहे हैं, मेरा शरीर पंचभौतिक तत्वों से नहीं बना है, हर जगह पुष्टि दे रहे हैं। उनकी तो वाणी है, सास बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। क्यों? जो सच बोल रहा है हमेशा अलर्ट है, और शुद्ध चेतना ही परमात्मा का रूप है।
यह जीव आय पुरुष को अंश है, यह आत्मा परमात्मा का अंश है। रोके काल ताए दे शंशा, शंशा कहते शंका को, इसको रोका हुआ है। नाना फंद रचे जीव ग्रासे देह लोभ तब जीव है फल। इस तरह इसने नाना फंदे रचे हैं। आप देखो किसी को कोई मतलब ही नहीं है। मैं थोड़ा पीछे चलता हूं, 50-60 साल पीछे, लोग इतने भक्त थे, इतने धर्मिष्ठ थे, पाप से बहुत डरते थे, छोटे बड़े का बहुत लिहाज था और संस्कृति के अनुसार चलते थे। अब देखो कहां पहुंच गए हम। अब साहब क्या करें, जीव तारण हम यह जगह आए, मैं आया उस लोक से, मैं आया उस लोक से, फिरा गांव की खोर गलियां, ऐसा बंदा नाम ला जा लीजिए भटक पछोड़। फिर क्या करें, एक दुई होए ताए समझाऊं, सभी भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। जो जीव चीने ताए मुक्तम, धर्मराय असबाजी की ना दोख अनेक जीव को देना। निरंजन ने बहुत बड़ी जाल बिछाई, नीर पवन कृतम क्यों काला, विनश जाए बहु करे ब्याला। कह रहे पांच तत्व का बना हुआ शरीर है, ये विनाशित होता जाता है, फिर इंसान आगे कांक्षा करता है नए जन्म की, स्वयं स्वेच्छा निर्मित तन, ये आपकी कल्पनाएं पुनः आपको पुनर्जन्म की तरफ ले जाती है। तन हमारे एहसास थे न्यारा। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, ये मेरा शरीर इस सांस से न्यारा है, कौन सा, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश से मेरा, इस सांस से मेरा शरीर न्यारा है। शब्द अमान देह है मोरा, परख गयो भाग्यो कुछ थोड़ा। यहां कह रहे हैं कि हे इंद्रमती, मेरी इस बात को परखो, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, सुन वचन असल व्यवहारी तबरानी अस वचन उसार। ये सुनकर इंद्रमती को आश्चर्य हुआ, तब क्या कह रही है, हे प्रभु अचरज यह होई अस्वभाव दूजा नहीं कोई। अब यहां इंद्रमती को आश्चर्य हो रहा है, कह रही हे प्रभु ऐसा तो और कोई है नहीं पृथ्वी पर, मैं देखा नहीं, एक एक बिलोए वर्ण मोहते जन मोहते सकल बहु विधि, कृपा करके मुझे एक एक बात बिलोए बिलोए के मथ मथ के बोलो। विष्णु सम दूजा नहीं कोई, रुद्र चतनानंद मुनि पंच तत्व खमीर तरह तत्व के वश गुणी। बोला सभी शरीर धारण हुए। अब आप यहां करें तन हमार पांच तत्व तिनारा, मोर तन नहीं रचो करता रहा। तुम प्रभु गम अपार वर्णो मोते कित भय। बोला आप कैसे हुए, आप कौन है, जैसा आप वर्णन कर रहे हैं ऐसा दुनिया में कोई नहीं देखा। हे प्रभु अचरजमय हुई अस्वभाव दूसरा नहीं कोई, जैसा आप वर्णन कर रहे हैं अपने शरीर वहां का ऐसा दुनिया में मैं पहले नहीं सुना। अब आप इस पर चिंतन करें, इसलिए जब आप सदगुरु की लाइन में आएंगे आपको दिक्कतें आएगी। वर्तमान में क्या दिक्कतें आती है, लोग फिर भ्रमित करेंगे आपको कैसे करेंगे। अब COVID-19 के कारण काफी गरीबी बढ़ गई। मैं ग्राउंड में रहता हूं, मैं सड़क छाप आदमी हूं, मैं कहीं से आंकड़े संग्रहित नहीं कर रहा हूं, मैं तो अब चलते फिरते गांव गली में देख रहा हूं ना। चलो ठीक है, लोग जाते हैं विदेशों में पिकनिक पॉइंट पर मस्ती करके आ जाते हैं, यहां घूम जाते हैं,
मैं तो वहां भी घर घर घूम रहा हूं जैसे यहां घूम रहा हूं, तो वहां की स्थिति शायद मैं बेहतर जानता हूं। अच्छा है, कुछ लोग सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए चले जाते हैं कभी सियाचिन ग्लेशियर कहीं, उनकी आलोचना नहीं करो, पर उनको क्या बताया कि रात की ड्यूटी के समय जब विशाल हवाएं चलती हैं तो जिस्म क्या बोलता है। वो इनसे बेखबर है, लेकिन वो गए हैं, पर वहां की यथास्थिति से वो परिचित नहीं है। मुझे पता है, मैं वहां रहा हूं, रात को ड्यूटी करने के बाद 2 घंटे के बाद आदमी जब फिर सोने जाता है, नींद नहीं आती है, पांव ठंडे होते बर्फ जैसे, उनको गर्म करने में बहुत टाइम लग जाता है। जब बर्फीली हवाएं चलती है तो यूं लगता है चेहरे पर, इसलिए वहां 52 वस्त्र ओढ़े जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई सुइयां घुसेड़ रहा है, होंठ फट जाते हैं, सर्दी के कारण नाक से पानी गिरता है, वहां कोई माई का बच्चा मूंछ रख नहीं सकता है। तापमान 0 से भी 25-30 डिग्री डाउन आ जाता है। पर जो एक भ्रमण करने गया, वो पूरी तैयारी से गया, वहां का दुख वो ठीक से नहीं समझ पाया। 1-2 दिन जब वहां रुकेगा तब पता चलेगा कि यहां क्या माजरा है। मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा हूं, पर हकीकत आपके सामने रख रहा हूं। इसी तरह मैं आपको बता, इंद्रमती जो साहब से कह रही है बिल्कुल ठीक ठीक कह रही है। और आज COVID-19 के कारण जो थोड़ी सी आर्थिक दशा सबकी कमजोर हुई है, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, फिजूल बातें हैं। ये किसी को दोष देना फिजूल बातें हैं, मैं न किसी का खंडन कर रहा हूं ना समर्थन कर रहा हूं, ये हो गया। मैं उदाहरण देता हूं, मैं जब देश विदेश सब तरफ घूमता रहता था तो हमारे पास कुछ धन मिलता था, बहुत बड़ी संस्था है इसका संचालन करना पड़ता है। अब COVID-19 का प्रभाव तो हम पर भी बढ़ा, 85 गाड़ियां हैं, 400 स्टाफ है और 220 आश्रम है, तो वहां लोग हैं, उनके भोजन छाजन की व्यवस्था, तो असर तो हमें भी पड़ा, बिल्कुल पड़ा। तो ऐसे में क्या है, कुछ लोग क्या करने लगे, थोड़ी अभी ठगी बेईमानी ज्यादा करने लगे, उधार ज्यादा लेने लगे। उधार लेता है जरूरतमंद, वापस नहीं दे पाता है, फिर वो बेचारा परेशान हो जाता है। इस तरह ये स्थिति बनी, तो फिर इसने में सियाने चेले और भ्रमित करेंगे कि ये ग्रह लगा, ये फलानी चीज है, नहीं भैया ये तो सामूहिक एक समस्या है। तो कह रहे हैं कौन हो, कहां से आए, तन अचिंत प्रभु कहमा पाए। बड़ी बड़ी विभूतियां संसार में आई, पर जैसा आप अपने बारे में कह रहे हैं वैसा कोई मैंने नहीं देखा संसार में, और मैं हजारों बार इसकी पुष्टि कर चुका हूं। तभी साहब ने जब शरीर छोड़ना था दुनिया को दिखाकर गए, आई एम नॉट बॉडी, और ये बात लाखों लोगों के सामने हुई है। खुद कबीर पंथ में भी बड़ा भेद मतभेद है। कबीर पंथ में तो कुछ लोग ये मानते हैं कि सही में कबीर एक जुलाहा था और नदी पर मिला था। कबीर पंथ में तो कुछ ऐसे भी मत हैं जो कबीर को साहब को सर्वगुणवादी मानते हैं, राम उपासक मानते हैं। इसलिए काल पुरुष ने वो खिचड़ी रचाई कि आदमी कबीर सागर में भी गोते लगाने लग गया। यहां साहब एक वाणी कह रहे हैं, कबीर का गाया गाएगा, 3 लोक में मार खाएगा, कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। तो कह रहे कौन नाम तुम्हारो गुरुदेवा, यह स्मरण कहो मैं बेवा। कह रहे आप कौन है, कहां से आए, किस लोक के हैं, आपका गुरु क्या है, आपका ईष्ट कौन है, मुझे ये सब बातें समझाओ। अब यहां एक समस्या खड़ी हुई,
जब संतों ने उस देश की बात की, ये पुराना तीन लोक तक का पूरा मसला निरंजन के अधीन बोला, तो निसंदेह काफी लोगों के रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ गया। उन्होंने एक स्थिति अपनाई। मैं वो चीजें देखता हूं अभी भी। साहब को डिफॉर्म करने के लिए तरह तरह की बातें बोली। ये सिलसिला आज भी है। मैंने आज तक किसी की एक इंच जमीन नहीं ली, कभी चंदा नहीं किया, बहुत सख्त नियम पर चलता हूं। मैं एक सन्यासी, लांछना लगाने वाले करोड़ों लांछन लगा देते हैं। इस तरह नाना मत मतांतरों के लोग भी कबीर पंथ में डाइवर्ट क्यों हुए, मैं उदाहरण देता हूं। राजनीति में भी दो तरह के लोग हैं, एक सिद्धांतवादी, राजनीति मेरा क्षेत्र नहीं है, एक सिद्धांतवादी, एक अवसरवादी। आप देखते हैं, मैं कहीं का जिक्र, किसी पार्टी का जिक्र नहीं करूंगा, जब चुनाव आता है तो वो मूल्यांकन करते हैं कि इस समय किस पार्टी की लहर है, फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर उस पार्टी को छोड़कर भीतरघात करके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। यह हाल किसी एक दल का नहीं है, सम्यक है। इसी प्रकार भक्ति क्षेत्र में भी लोग देखते हैं किसका ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, उस तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो इंद्रमती यहां कह रही है, मुझे अपना भेद बताओ, मैं नहीं समझ पा रही हूं आप कौन है, आपकी भक्ति क्या है, लेकिन जैसा कुछ आप कह रहे हैं दुनिया में नहीं है। साहब कह रहे हैं, इंद्रमती सुनो कथा सुहावन, तुम्हें समझा कहूं गुण पावन। हे इंद्रमती, मैं तुम्हें बताता हूं, सुनो। देश हमार न्यार तिनपुर से, अहिपुर नरपुर और सुरपुर से। अब आप थोड़ा गौर फरमाएं, साहिब वाणी में कह रहे हैं देश हमार न्यार तिनपुर से। ये तीन लोग को साहब तिरपुर कह रहे हैं। पुर छोटा गांव होता है, क्योंकि ब्रह्मांडीय देशों के आगे ये छोटे से गांव की तरह है। तीन लोग, देश हमार न्यार तिनपुर से, अहिपुर नरपुर और सुरपुर से। अहिपुर पाताल, नरपुर पृथ्वी, सुरपुर स्वर्ग आदि। तहां नहीं हम केर प्रवेशा, हे इंद्रमती वहां मृत्यु नहीं है, वहां यम नहीं आ सकता। आदि पुरुष को जहमा देशा। अब आप सुने इस देश की और क्या हुआ। मैं ये आपको क्यों उदाहरण दिया राजनीति का, इस तरह जब कबीर साहब ने डंका पीटा अध्यात्म शक्तियों के द्वारा, तो कई लोगों ने देखा कि अब ट्रेंड ये चल रहा है, वो इसमें शामिल हो गए। उन्होंने देखा ट्रेंड ये चल रहा है अभी कबीर का, वो इसमें शामिल हो गए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। एक अच्छे राजनेता थे, मेरे पास तो सब लोग आते हैं, मैं वेलकम करता हूं सबको, मैं मना नहीं कर सकता। एक महात्मा, एक वेश्या, एक दुकानदार, ये तीन पेशे ऐसे हैं जिसमें किसी को वर्जित नहीं किया जा सकता। बदमाश भी आएगा, डाकू भी आएगा, राजनेता भी आएगा, राजा भी आएगा, भिखारी भी आएगा। उसका एक मतलब है, भाई आप अध्यात्म की बात कर रहे हैं, आत्मकल्याण के लिए हम आए, हम बुरे हैं, ठीक है आप हमें सुधारो, ठीक है। उनकी बात में तर्क होता है। इसलिए षट सुधरत सत्संगत पाही, पारस परस कुधात सुहाई। मना नहीं कर सकते। एक बहुत अच्छे राजनेता है मेरे पास, मिनिस्टर रहे, बहुत बड़े आदमी थे, किसी पार्टी के थे, छोड़ो पार्टी आर्टी, नाम नाम नहीं लेना। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी मूल पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में कन्वर्ट हुआ। बस मुझे रामायण का वो एक दोहा मैं कहना चाहूंगा चौपाई को, हो नृप हमें क्या हानि,
वर्षली छोड़ना हो या रानी, कोई राजा होगा, मंथरा ने यह बात कही थी कैकेयी से। कैकेयी नहीं कहना चाहती थी राम जी वहां जाए, जो कुबड़ी दासी थी मंथरा बहुत तेज चीज थी, कैकेयी स्वीकार नहीं कर रही थी। राम से वो भी बहुत प्रेम करती थी, पुत्र ही था उनका, पर मंथरा ने, कुबड़ी मंथरा ने उनका ब्रेन वॉश किया, कहा भरत को राज सिंहासन दिलाओ। ये मांग कैकेयी की नहीं थी, ये मांग तो मंथरा की थी। वो क्या कह रहे, को हो नर पर हमें क्या हानि, चाहे राम राजा बने चाहे दशरथ बने हमें क्या हानि है, पर वृषली छोड़ना हो मैं रानी, मैं जो दासी हूं दासी ही रहूंगी, मैं रानी नहीं बनूंगी। वाह, उसने वेल ब्रेक ब्रेन वॉश किया कैकेयी जी का। तभी तो राम जी को जब राजा दशरथ जी ने ये वरदान दिया, कहा ठीक है, अपने वचन अनुसार उन्होंने कहा राम को 14 वर्ष के लिए वनवास और भरत को सिंहासन दिया जाए। तो रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब वो वन में जा रहे थे वहां भरत मिलन हुआ, उन्होंने भरत को कहा, भरत ने एक बात कही, बोला हे भ्राता मैं लज्जित हूं कि मैं कैकेयी के गर्भ से जन्म लिया। बोला नहीं माता, कैकेयी के लिए ऐसा कुछ न कहो, ये सब विधि का विधान था, ये होना था, उनके प्रति तुम ऐसी बात नहीं कहो। क्या चरित्र था भरत जैसा, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं था, वो सिंहासन का हकदार राम जी को ही मानता था। खड़ाऊ लेकर गया, बोला सिंहासन पर आपके चरण खड़ाऊ रहेंगे, चरण पाद का मैं मंत्री बनकर काम करूं। तो राम जी ने वहां उन्हें समझाया, माता कैकेयी के लिए तुम अपने मन में मैल मत लाना। देखो कितने गंभीर थे, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, सतोगुणी थे। बोला ये विधान था विधि का, होना था, वो एक मात्र और निमित्त है, इसलिए उनके लिए तुम मन मैला नहीं करो। अगला आदमी थोड़ी कोई निंदा करे तो उससे बदला लेने के लिए उदित हो जाता है, लेकिन उनका पेशेंस देखो कितना जबरदस्त था। तो इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने उनसे पूछा, मैं हेल्दी डिबेट करता हूँ, ऐसे फिजूल बक बक वाली नहीं। मैं कहा भाई आप लंबे टाइम से एक पार्टी में थे, अब नाम नहीं लेना, मैं ये ठीक नहीं रहता। मैंने कहा आप बहुत लंबे टाइम से एक पार्टी में थे, आपके डीएनए में वो पार्टी की विचारधारा है, एकाएक आप उस पार्टी को छोड़कर दूसरी को ज्वाइन कर लिया। आप सावधान रहें राजनेता भी ऐसे लोगों से, वो अवसरवादी होते हैं और मौका पड़ने पर आपके साथ भी वैसा ही हुआ। चलो छोड़िए, मैं राजगुरु तो हूं नहीं है, मैं तो एक सड़क छाप आदमी हूं। तो मैंने कहा आपके डीएनए में आपकी विचारधारा, आप इसी मुख से इतना 30 साल या इससे लंबा टाइम उस दल की महिमा और प्रशंसा करते रहे, एकाएक आप में परिवर्तन क्यों आया? आपने शायद ये अनुभव किया कि यह दल अब जीतने वाला नहीं है, इसलिए जीतने वाले दल को आपने पहले ज्वाइन कर दिया। बड़े सहज और मृद भाषा में ये बात कही, हालांकि कटु लगती है, पर मेरी शैली अलग थी, बड़े मृद शब्दों में कहा। उन्होंने कहा, तर्क दिया, बोला पहले ये पार्टी अपनी लाइन पर थी, अब ये पार्टी अपनी लाइन छोड़ चुकी है, इसलिए मैं जा रहा हूं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, आप सावधान रहना, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है। आज बड़ा अटपटा युग आ गया, एक दो बच्चों की माँ एक आदमी के साथ भग जाती है, एक दो बच्चों का बाप बीबी और बच्चों को छोड़कर दूसरी औरत के पास पहुंच जाता है। मैंने ये एग्जाम्पल भी दिए, तो मेरे कहने का भाव यह था, मैंने उनसे कहा कि आपके डीएनए में तो वही विचारधारा है ना, एकाएक ऐसा कैसे परिवर्तन आया? उसने फिर तर्क रखा, मैंने कहा ये ऐसा ही होता है, मेरे पास एक पति पत्नी का झगड़ा आया, दोनों शिष्य थे,
मैंने कहा कुछ मार्गदर्शन किया जाए। आदमी आपत्ति काल में गुरु के पास पहुंचता है, उनका कर्तव्य बनता है उनकी बात सुने और निराकरण दे करें। होता क्या है इसमें, आदमी का मन कहीं पहले ही डोल चुका है और जगह, अब वो पत्नी पर लांछन करता है। अगर डायरेक्ट ऐसे उधर चला जाए तो बात ठीक नहीं है। इसलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए झूठ का कवच अपने ऊपर ओढ़ता है। या तो पत्नी के कैरेक्टर पर बात उठा लेता है, या झगड़ालू है, या फलाना चीज है, एक वो ग्राउंड बनाकर तब उसे छोड़ता है। ये मनुष्य मस्तिष्क बहुत डेंजर है, मैं कहता हूं ब्रेन फ्रॉड है ये मन है। इसी तरह स्त्री भी वैसे ही करती है, जब उसका कहीं मन बदलता है तो पति पर लांछना लगाती है, ये और औरतों के साथ घूमता रहता है। मैंने एक बात कई बार बोली, जो फिजिकल ग्राउंड का अनुभव मेरे पास है ना, क्योंकि घर घर जाता हूं मैं। सतगुरु देवा साहिब जय, सतगुरु देवा सब कुछ तुम पर अर्पण।
ना ना।